राजवीर सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने क्या किया? वो जहरीली शराब आपकी फैक्ट्री में बनी थी। ये जरूर अग्रवाल की चाल है। रानी बेटा, ऐसे कहाँ जा रही है? माँ भी कुछ बताने का वक्त नहीं, आकर सब बताएंगे। से मिल रहे हो मैडम? अग्रवाल साहब से। वो यही रहता है ना? और अग्रवाल साहब घर पर नहीं है। नुसरत, रानी ने जिंदगी में दुश्मन तो बहुत देखे होंगे, पर एक दोस्त के लिबास में नहीं। नवाब साहब और नुसरत मिले हुए हैं। यानी आज तक जो कुछ इन दोनों ने कहा वो सब एक झूठ था, एक साजिश थी। बहुत बड़ा धोखा दिया नवाब साहब, दुश्मनी की, वो भी बेईमानी से। कांच का टुकड़ा आज तक आपके पास है? हमारे पास नहीं नुसरत, हमारे रूह के अंदर गड़ चुका है, हमारे अंदर चुप चुका है। और जब तक हम अपना इंतकाम नहीं ले लेते तब तक ये चुपता रहेगा। 2 बरस पहले शबे बारात की रात सड़क पे एक कांच के टुकड़े नहीं बिखरे थे, हमारा दिल टूट के बिखरा था। उस रात राजा ने हमसे हमारी जिंदगी, हमारी मोहब्बत छीन ली थी। ये राजा का दिया हुआ वो जख्म है जो हमने इंतकाम के लिए संभाल के रखा है। तुम्हें याद है नुसरत, ये वो लॉकेट जो उस रात हमने अपनी मोहब्बत को तोहफे में दिया था। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है नवाब साहब। जुड़वा बहनों में फर्क करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आज आप फर्क करके बताइए कि हम में से नुसरत कौन है और आपकी मोहब्बत सायरा कौन है। आंखें खुली रखेंगे तो शायद धोखा खा जाएंगे। ज़हरा, अगर हम अपनी आंखें बंद भी रखें ना, तब भी हम तुम्हारी एहसास की खुशबू से तुम्हें पहचान लेंगे। मैं नुसरत की तरह बात कर रही थी, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। भाई, अब कबाब में से हड्डी के जाने का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। ज़हरा उस रात इतनी खूबसूरत लग रही थी, हमें तो लग रहा था कहीं हमारी नजर उसे न लग जाए। अपनों को अपनों की नजर नहीं लगा करती नवाब साहब। दुआ ही करनी है तो ये कीजिए कि हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे। मैं चाहती हूँ कि मैं पहाड़ी वाली दरगाह पर जाऊँ। कहते हैं शबे बारात की रात की दुआ खाली नहीं जाती, तो हमारी दुआ भी सुन लीजिए। हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। लीजिए, आपको इतना भी नहीं पता कि जिसके लिए दुआ की जाती है वो साथ नहीं जा सकता। हम अपनी मोहब्बत के लिए दुआ करने जा रहे हैं और आप हमारी मोहब्बत हैं, इसीलिए आप हमारा यही इंतज़ार कीजिए, हम जल्दी लौट आएंगे। हमें क्या पता था कि हमारी सारी जिंदगी इंतजार में बीत जाएगी। अगली सुबह हम ज़हरा से निकाह की बात करने वाले थे, लेकिन वो सुबह कभी आई ही नहीं, क्योंकि ज़हरा कभी वापस ही नहीं लौटी। वो रात हमारे लिए कभी खत्म ही नहीं हुई। फिर हम उसे ढूंढने के लिए पहाड़ पे गए, तब तक दरगाह से सारे लोग निकल चुके थे। सारे रास्ते सुनसान हो गए थे, लेकिन ज़हरा का कुछ पता नहीं चला। और तभी हमें वो कार दिखी। भाई साहब, आपने यहाँ कोई लड़की देखी गुजरते हुए? उसने वो नीला अनारकली का सूट पहना हुआ था और गले में लॉकेट था उसके। अरे मुझे किसी लड़की वड़की की परवाह नहीं है। जो मेरी गाड़ी के सामने आएगा उसे मैं उड़ा के चला जाऊंगा। अरे मुझे शहर जीतनी है और हर हाल में जीतनी है। चलो हटो, हटो मेरे सामने से। उसे वो लोग पहले ही हमसे छीन चुके हैं। हम पूरी रात भटकते रहे, लोगों से पूछा, पुलिस को बताया, लेकिन 2 दिन तक ज़हरा के बारे में कुछ पता नहीं चला। हम दोबारा दरगाह वाली पहाड़ी पे उसे ढूंढने गए। ज़हरा का कुचला हुआ लॉकेट मिला, हमारा दिल कांप उठा। जो मेरी गाड़ी के सामने आएगा उसे मैं उड़ा के चला जाऊंगा। हम पुलिस के पास इंसाफ मांगने गए, उन्हें गाड़ी का नंबर बताया, पर बदले में हमें क्या मिला? उस दिन हमें पता चला कि कानून तो अमीर लोगों के बिस्तर पे सोता है। जिसे इंसाफ नहीं मिलता उसे इंतकाम लेना पड़ता है, और हमने तय किया कि हम इंतकाम लेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ इरादा था, दौलत नहीं। फिर हमें पता चला कि वो शराबी कोई और नहीं, राजा था। रानी के प्यार में गिरफ्तार, अपने ख्वाबों में खोया हुआ राजा। हमारे प्यार को सड़क पर कुचलकर, उसे बेदर्दी से दफन कर कर खुद अपना घर बसा रहा था। उस दिन हमने तय कर लिया कि हम इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उसकी सांसें छीनने से पहले हम उसकी खुशी, सारी उम्मीद छीन लेंगे। शायद हवा से हुआ होगा। हमारा राजा कभी किसी की जान नहीं ले सकता, जरूर कोई और बात है। हमें जाकर राजा से बात करके सच्चाई पता करनी होगी। अरे भाई, हम तो इसे अच्छा आदमी समझते थे, पर किसे पता था ये इतना कमीना निकलेगा। जो लोग मरे हैं उनके परिवार के बारे में इसने एक बार भी नहीं सोचा। अरे उनकी तो छोड़, इसने अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा। इसके किए की सजा इसकी पत्नी को मिल रही है। अरे उन विधवाओं ने सरेआम इसकी पत्नी का मुंह काला कर दिया है। अभी तो शुरुआत है, दुनिया थूकेगी उसके मुंह पे। रानी अमेले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। रानी के साथ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जिस शहर ने उसे सराखों पर बिठाया था, आज वही उसका मुंह काला किया गया। राजा, दुखिया मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? हमें अपने पति से बात करनी है। हमें एक बार अपने पति से बात करने दीजिए। राजा, मुझे किसी से नहीं मिलना है। राजा प्लीज, बस एक बार हमसे बात कर लो। हमें तुमसे कुछ पूछना है, बहुत जरूरी सवाल पूछना है। राजा प्लीज, बस एक बार। मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब तो क्या, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत तक नहीं है रानी। मैं किस मुँह से तुम्हारे सामने आऊँ? जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, और अब मेरी गलती की सजा तुम्हें दी जा रही है। राजा, जब फेरे लिए थे तो वादा किया था, सुख या दुख आधा आधा बांटेंगे। जब सुख में हम तुम्हारे साथ थे, तो तुम्हारा दुख भी तो हमारा आधा हुआ ना। बस एक बार हमसे बात कर लो, बस एक बार। राजा प्लीज, राजा मुझसे दूर रहो। रानी प्लीज, मैं तुम्हारे प्यार तो क्या, तुम्हारी नफरत के लायक भी नहीं हूँ। चली जाओ रानी। राजा प्लीज। देखिए मैडम, इनसे मिलने की इजाजत किसी को नहीं है, और जब खुद आपसे मिलना नहीं चाहते तो आप जिद मत कीजिए। लेकिन... आप लौट जाइए, जाइए आप। फिर हम उस रात का सच किससे पूछे? कौन है जो हमें उस रात की सच्चाई बता सकता है? शशि, जीवन, कैसी हो रानी? हम ठीक हैं। तुमने बुलाया तो आना ही पड़ा। वैसे शशि ने हमें बताया कि राजा किसी मुसीबत में। हाँ, हमने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। हमें तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो रानी। ऐसे नहीं, हमें जो पूछना है उसके जवाब में हमें सिर्फ सच सुनना है। तुम दोनों आओ हमारे साथ। अब तुम दोनों माँ के दरबार में हो और देवी माँ के दरबार में झूठ नहीं बोला जाता। हम जानते हैं 2 साल पहले शबे बारात की रात राजा ने शर्त लगाकर नशे में गाड़ी चलाई थी। हाँ तो ये सच तुम पहले से जानती हो रानी। हम सच तो जानते हैं जीप्स, लेकिन आधा सच। हमें पूरा सच जानना है। क्या उस रात कोई हादसा नहीं हुआ था? रानी ये क्या बेफजूल की बातें कर रही हो तुम अभी? और फिलहाल तुम्हें राजा को जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचना होगा। और राजा का जेल में होने का उस रात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जी, बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन हम वो सब तुम्हें बाद में बताएंगे। पहले बताओ क्या उस रात कोई हादसा हुआ था? तुम्हें देवी माँ की कसम है, झूठ मत बोलना। अगर उस रात कुछ नहीं हुआ था तो देवी माँ के सामने बोलो कि उस रात गाड़ी से किसी लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। माँ के दरबार के दिए पर हाथ रखकर कसम खाओ कि उस रात किसी की जान नहीं गई थी। रानी उस रात हम माँ के दरबार के दिए पर हाथ रख के कसम खाते हैं रानी कि उस रात हमारे हाथ से कोई हादसा नहीं हुआ था। कोई हादसा नहीं हुआ था? तो फिर नवाब साहब ने ऐसा क्यों कहा कि राजा ने उनसे उनका प्यार छीना है? पर जिसकी रगों में खून की जगह मक्कारी बहती हो उससे सच की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। वो कोई भी झूठ बोल सकता है, कोई भी कहानी बुन सकता है। माफ कर दो, हमने तुम लोगों पर शक किया। यहीं रुको, हम अभी मरहम लेकर आते हैं। क्या बताने वाला था रानी को? हाँ सच बताने वाला था। बोल, तुझसे पूछ रहा हूँ, सच बताने वाला था। वो सच जिसको हमने 2 साल अपने सीने के अंदर छुपा के रखा। इतनी आसानी से तू बता देता उसको? हाँ तो रानी को ये बताने वाला था कि उस रात राजा इतने नशे में था कि वो गाड़ी नहीं चला सकता था और वो गाड़ी हमने चलाई थी। और वो एक्सीडेंट हमसे हुआ था। वो रानी को ये बताने वाला था कि उस एक्सीडेंट के बाद उस लाश को हमने दफना दिया और राजा को इस बात की खबर तक नहीं थी क्योंकि वो कार में बेहोश पड़ा था। देख शशि, इधर देख, ये मत भूल के अगर हम फंसेंगे ना तो हमारे साथ तू भी जाएगा। माना कि एक्सीडेंट हमसे हुआ, लेकिन उस लाश को दफनाने में तूने हमारी मदद की थी, याद है? हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। तो बेहतर होगा चुप रहो और इस राज को जिंदगी भर के लिए राज रहने दो, समझे? रानी जी, तुम दोनों इस कोने में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो दवाई लगा लो। थैंक यू। अब हम चलें? नहीं चीफ, तुम दोनों को हमारे साथ कहीं चलना है। कहाँ रानी? तुम्हारा किसी से मिलना बहुत जरूरी है। ओके। वाले साहिबा, आपको देख के लग रहा है कि कोई बड़ी बात है। सब कुछ ठीक तो है ना? राजा साहब तो ठीक है ना? एक तो ये सारा शहर उनकी जान का दुश्मन हो गया। जिनके पास आप जैसे दोस्त हो, उन्हें दुश्मनों की क्या जरूरत है? हम कुछ समझे नहीं। एक तो हमारे सारे आदमी अग्रवाल को ढूंढने में लगे हुए हैं, हम आपके लिए एक वकील ढूंढ रहे हैं, हम अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं, और आपने कि हम पे तोहमत लगा रही है? हम आपके दोस्त हैं।